देखिए आज उत्तराखंड में तमाम जो विषय हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, शिक्षा व्यवस्था हो, आज पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के राज में। महंगाई अपने चरम पे है, सब्जियां हो, अनाज हो, खाने का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, आसमान की तरफ महंगाई जा रही है। और रसोई गैस में तो आपको मालूम है, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करा है माता बहनों की रसोई पर। रसोई अब चूल्हा जल ही ना पाए, ऐसा इंतजाम कर दिया है। पहले दाल महंगी थी, मुश्किल पड़ रही थी, सब्जियां महंगी थी, मुश्किल पड़ रही थी, अनाज महंगा था, मुश्किल पड़ रहा था, लेकिन अब मोदी जी ने कहा मुश्किल पड़ रही है, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूं। रसोई गैस में इतनी कीमतें बढ़ा दी कि लोगों का चूल्हा ही न जले, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगार नौजवान जो पिछले 4 साल से रोजगार की तलाश कर रहा था, जिसको विश्वास था कि इतना प्रचंड बहुमत हम दे रहे हैं बीजेपी को, हमारी नौकरियों का इंतजाम होगा, हमारे रोजगार का इंतजाम होगा, 4 वर्षों में बेरोजगारी दर देश में सबसे ऊपर पहुंच गई। पहले पायदान में 22.3 की बेरोजगारी दर से उत्तराखंड आज सबसे ऊपर है। बेरोजगार नौजवान परेशान है, नौकरी लगने का काम नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी में काम कर रहे हैं, 15-15 सालों से उपनल में काम कर रहे हैं, पीआरडी में काम कर रहे हैं, पूरा स्वास्थ्य महकमा, पूरा शिक्षा महकमा पीआरडी और उपनल के कर्मियों से चल रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हड़ताल के लिए तैयार है, क्योंकि उनके लिए जो हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने जो आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि तमाम जो कर्मचारी हैं समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए, ये कहा था माननीय उच्च न्यायालय ने कि चरणबद्ध तरीके से उनको नियमित करिए। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि जो आप जीएसटी और सर्विस टैक्स के नाम पर 20-25% उनका वेतन काट रहे हैं वो बंद करिए। सरकार एसएलपी में चली गई सुप्रीम कोर्ट में, वो कर्मचारी परेशान है। जो स्थायी कर्मचारी हैं उनका अलग बुरा हाल है, 5 महीने से परिवहन निगम में 5-5 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, राज्य की माली हालत जो है वो खस्ता हो रखी है। प्रदेश के अंदर जो किसान है वो इस इंतजार में था कि मोदी जी कह के गए थे 2017 में कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो हम कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ होना तो दूर रहा, 4 साल में ये हालत कर दी है सरकार ने कि प्रदेश में 1.5 दर्जन किसानों ने आत्महत्या कर ली। पूरे प्रदेश के अंदर चाहे आबकारी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे पर्यटन विभाग हो, सारे विभागों में काम ठप पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से प्रदेश का विकास ठप पड़ा हुआ है। राज्य के अंदर लोगों में भारी आक्रोश इस सरकार के खिलाफ है, उस आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए और सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में 6 विशाल जन आक्रोश रैलियां हम आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में करेंगे। 3 रैलियां गढ़वाल मंडल में होंगी, 3 रैलियां कुमाऊं मंडल में होंगी और उसके बाद ये जिलों में जाएंगे। 14 मार्च को हम शुरुआत कर रहे हैं गढ़वाल मंडल के श्रीनगर से, श्रीनगर में विशाल जनाक्रोश रैली होगी। उसके बाद 25 मार्च को हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल में विशाल जनाक्रोश रैली होगी और उसके बाद अप्रैल के महीने में हम लोग पिथौरागढ़ में, हम लोग रुद्रपुर में, उत्तरकाशी में और देहरादून में, अंत में देहरादून में आखिरी रैली देहरादून में होगी। ये 6 जनाक्रोश रैलियां गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में आयोजित की जाएंगी, इसमें हमारे तमाम वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रैलियां जो होंगी इसमें नेता प्रतिपक्ष से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम बड़े नेता और हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी वो इन रैलियों में हिस्सेदारी निभाएंगे और जनता का जो आक्रोश है, जनता का जो गुस्सा है वो इन रैलियों में प्रदर्शित किया जाएगा। ये रैलियां हमारे उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन का द्योतक होंगी और आप तमाम लोग, जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं, जितने हमारे प्रेस के बंधु हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि इन रैलियों के बारे में हम आपको समय समय पर इनके आयोजन स्थलों के बारे में, इनके पूरे आयोजन के जो ब्यौरा है उसका हम आपको प्रेषित करते रहेंगे।